अगर मैं कहूं क्या आप इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं जहां हम कहते हैं धोखेबाज कहीं का, बुद्धू कहीं का, बेवकूफ कहीं का, पागल कहीं का, आलसी कहीं का, घमंडी कहीं का, तो क्या आप बता सकते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है? चलिए मैं आपको देता हूं 10 सेकेंड्स और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करें, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने सही आंसर दिया या गलत। यहां आपका टाइम शुरू होता है। आइए अब इस कंसेप्ट को समझें। इस तरह के सेंटेंसेस को आप ऐसे बोलेंगे, जैसे पागल कहीं का, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर अटर मैड। आलसी कहीं का, यू आर अटर लेजी। घमंडी कहीं का, यू आर अटर प्राउड। बदमाश कहीं का, यू आर अटर नॉटी। दगेबाज कहीं का, यू आर अटर सलाई। झूठा कहीं का, यू आर एन अटर लायर, यानी झूठा कहीं का। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने शानदार तरीके से सीखा कि इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप सबसे पहले कहेंगे यू आर, उसके बाद आप एक एग्जेक्टिव के साथ वो वर्ड बोलिए जो आप बोलना चाहते हैं। यानी अगर आप कहें पागल तो आप अटर के साथ बोले मैड, अगर आपको कहना हो बदमाश तो आप अटर के साथ नॉटी बोलें, जैसा कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वाकई आपको यह लेसन अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।